साथियों नमस्कार, मैं हूं कालू माली। आप जुड़े हो मेरे इस चैनल से। आज साथियों मैं आपको ये लाइव दिखा रहा हूं कलेक्टेड परिसर से। ये मांगीलाल प्रजापत और राणा राम भील, ये दोनों ग्रामीण है, चांदेसरा से आए हैं, पंचायत समिति बालोतरा, तहसील पचपदरा। इन्होंने आरोप लगाया है गोचर जमीन पर अतिक्रमण किया है भूमाफिया द्वारा, तो अतिक्रमण हटाने को लेकर इन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन दिया था, तहसीलदार को दिया था, एसडीएम को दिया था। उसके बाद कलेक्टर ने आदेश जारी किया था तहसीलदार को अतिक्रमण हटाने का। तो पूरा मामला अपन इन दोनों साथियों से जानेंगे, मांगीलाल और राणा राम से क्या पूरा मामला है। ये राणा राम है भील है और मांगीलाल प्रजापत है, ये दोनों चांदेसरा के निवासी है। तो एक बार आपको मैं ये तस्वीरें दिखा लेता हूँ, उसके बाद अपन बात करेंगे सबसे पहले राणा राम से, बाद में मांगीलाल से। राणा राम जी कहाँ से आए और क्या मामला है? साहब चांदेसरा गांव से आए हैं। हाँ, और गौ सर भूमि में कब्जा हो रहा है, अवैध कब्जा हो रहा है। हाँ, किसने किया है? गाँव वालों ने। नाम बताओ। नयन सिंह, मेघ सिंह। हाँ, काफ़ी नाम है साहब। हाँ, अवैध कब्जा हो रहा है। हाँ, और नाडी तालाब भी कब्जा हो रहा है। हाँ, क्या बनाया अंदर? कई बार दुकानें भी बनाई है। हाँ, और मकान भी बन रहे हैं। हाँ, कई बार शिकायत भी की, आज दो दिन सुनाई नहीं हुई। तो तहसीलदार ने आदेश भी निकाला था, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई सर। हाँ, कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। ठीक है, क्या मामला है? सर चांदेसरा ग्राम पंचायत में गोसर भूमि है, उसमें टोटल 7 से 8 खसरे हैं। उसमें काफ़ी सारी दुकानें भी बनी हुई है। आज के डेट में वर्तमान में पक्के निर्माण चालू भी है। हमने कई बार एक साल से हम लोग कर रहे हैं प्रयास, लेकिन आज दिन तक कोई कार्रवाई हो नहीं रही है। लेकिन अभी अगर हम कार्रवाई नहीं होगी तो हमको मजबूर होकर न्यायालय का, हाईकोर्ट का शरण लेना होगा। तो आपने आप कलेक्टर साहब से नहीं मिले? हम कलेक्टर साहब को साहब कई बार ज्ञापन भी दिए, हमने जन सुनवाई में भी ज्ञापन दिया है। हाँ, लेकिन आज दिन तक कोई कठोर कार्रवाई हो नहीं रही है। हाँ, और अभी हम लोग बहुत परेशान है, गरीब लोग का इसमें आने जाने का भी आज के डेट में रास्ता भी नहीं है, पानी लाने के भी लिए भी आज हमारे घर में भी आने के लिए हमको 1.5 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है, ऐसी स्थिति बनी हुई है वर्तमान में। कब्जा ये किया किसने? गाँव वालों ने किए हुए, सब गाँव वालों का कब्जा किया हुआ है। कितनी जमीन कितनी है? जमीन रहेगी साहब कम से कम 15 से 20 बीघा जमीन रहेगी। हाँ, ठीक है ना। उसमें से 10-15 बीघा जमीन के अंदर पक्की दुकानें भी बनी हुई है, आज के डेट में वर्तमान में भी पक्का निर्माण चालू है आज की डेट में। और तालाब के अंदर है, जो गांव के अंदर 20 में तालाब है, वहाँ पे भी आज की डेट में अपना पत्थर भी डाले हुए हैं, दिनों दिन अतिक्रमण होते जा रहा है। लेकिन हमने कई बार शिकायत की, हमने हेल्पलाइन भी दी है, तो गांव वाले कोई हमको धमकियाँ भी दे रहे हैं मारने की भी। तो आपने थाने में मामला दर्ज नहीं करवाया? तो हमने थाना में तो गए नहीं है, लेकिन हम लोग ने कलेक्टर साहब से भी, एसडीएम साहब से भी और एडीएम साहब से भी कई बार हमने एप्लीकेशन दिया, लेकिन आज दिन तक कोई कार्रवाई हो नहीं रही है। और अभी आपसे निवेदन है कि इसकी जल्द से जल्द कार्रवाई हो, नहीं तो अभी हम लोग को मजबूरन होकर हाईकोर्ट का शरण लेना होगा सर। ठीक है, धन्यवाद। तो साथियों जुड़े रहिए इस चैनल से, मिलती रहेगी आपको पल पल की अपडेट। दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। शनिवार का दिन है साथियों, इन्होंने अतिरिक्त जिला कलेक्टर और कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे थे। अब इन्होंने किसको ज्ञापन दिया है? तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं एक नई लाइव के साथ। दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। करने वाले को कौन, क्या नाम है? कब्जा करने वाले सर है अपना सताराम प्रजापत है, और उन्होंने गोसर भूमि में पक्का प्रधानमंत्री आवास भी बनवाया है, विद्युत कनेक्शन भी लिया है, सवाराम भी है, हिमाराम भी है, पेमाराम भी है, इतने लोग हैं सर। आपके ध्यान में कौन है? राइन सिंह है, मेघ सिंह है। हाँ, और काफ़ी दुकान वाले सर। ओ, नाम कितने जनों ने, कितने जनों का कब्जा है? दुकान है। तो नाम बताओ ना। राइन सिंह, मेघ सिंह। हाँ, कानू सिंह, हरमत सिंह, पवर सिंह, मान सिंह। हाँ, सावल दास, शंकर दास। हाँ, जगमाल सिंह, भीम सिंह। हाँ, भवर सिंह, प्रशांत सिंह। हाँ, राजपुर, नेगमंडल। हाँ, जुंजार सिंह, गंगाराम। हाँ, नेमी सिंह जी, नरसिंह जी। प्रशांत सिंह, मुकुंद सिंह। हाँ, मोहर सिंह, राण सिंह। हाँ,
राज के ऊपर अपने विद्यालय संदेशरा गणेश सिंह उत्तम सिंह वाला नोटिस लगा सोन सिंह भीम सिंह लागू सिंह जसल सिंह बवरा राम विवा राम हरमता राम करुम्बा ठीक है।